एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। भारत सरकार ने विकिपीडिया को नोटिस भेजा है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, विकिपीडिया को पब्लिशर क्यों ना माना जाए, यह भी सवाल किया गया है। एक तरफा और भ्रामक सूचना को लेकर यह नोटिस जारी किया गया है। गलत जानकारी फैलाने का आरोप है। अमित कुमार हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ में मौजूद है। अमित, क्या कुछ कहा गया सरकार की तरफ से? देखिए, विकिपीडिया में जिस तरह से कुछ जानकारियां इंफॉर्मेशन है उसको लेकर आपत्ति दर्ज करते हुए ये नोटिस दिया गया है, जिसमें सीधे सीधे ये आरोप लगाया गया है कि पक्षपातपूर्ण और भ्रामक जो इंफॉर्मेशन है वो दिए जाते हैं विकिपीडिया में, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती है, और इस तरह के जो इंफॉर्मेशन दिए जा रहे हैं उससे लगता है कि इनको क्यों नहीं पब्लिशर क्यों नहीं मान लिया जाए, क्योंकि एक तरह से अगर देखिए तो इंटरमीडियरी के रूप में इनको इनकी भूमिका होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से अगर सारे इंफॉर्मेशन है जिस प्लेटफॉर्म पे, अगर विकिपीडिया के प्लेटफॉर्म पे जो भी इंफॉर्मेशन है, तो क्यों नहीं इनको एक पब्लिशर माना जाए, ताकि आप ये साबित हो कि ये इंफॉर्मेशन फिर आपकी तरफ से आ रहा है। इसी को लेकर बाकायदा नोटिस दिया और इसको गंभीरता से भारत सरकार ने लिया है कि एक गलत इंफॉर्मेशन विकिपीडिया के अगर पेज पे आता है और वो भारत के खिलाफ अगर होता है या किसी व्यक्ति के खिलाफ होता है और पक्षपातपूर्ण होता है, तो ऐसी चीजों को भारत सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, और इसीलिए बाकायदा नोटिस जारी करके ये पूछा गया है कि क्यों, जैसे लग रहा है कि जो छोटे ग्रुप्स है वो एक छोटा ग्रुप कोई है जो इसको पूरा नियंत्रित कर रहा है, और इसी तरह से जानबूझ कर इस तरह के इंफॉर्मेशन डाले जाते हैं जो कि भ्रामक है, गलत है, तो इस तरह के आरोप लगाते हुए विकिपीडिया से सवाल पूछा गया कि आपको क्यों ना पब्लिशर माना जाए, और इस पर जवाब मांगा गया है विकिपीडिया की तरफ से। अब बहुत अहम कदम भी था जो ये उठाया गया है सरकार की तरफ से। शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।